ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुमरा में दारुल फला मस्जिद के सामने MIM के कार्यकर्ताओं ने ठाणे महानगर पालिका के खिलाफ विरोध जताया है। MIM के कार्यकर्ता साजिद अंसारी और बबलू अयाज ने TMC पर आरोप लगाया है कि मुमरा में जो इमारतें रिपेयरिंग हो चुकी हैं और जो इमारतें सुरक्षित हैं, मनपा के अधिकारी उन इमारतों को भी धोखादायक बताकर लोगों को बेघर करने पर तुले हुए हैं। MIM के कार्यकर्ता का कहना है कि मनपा अधिकारी बिना सर्वे किए सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही मुमरा की धोखादायक इमारतों की लिस्ट तैयार कर दी है। जो इमारत धोखादायक नहीं है उनको भी धोखादायक मनपा अधिकारी बता रहे हैं। मनपा ने पहले जो इमारतों को धोखादायक बताया था उनमें से कई इमारतें रिपेयरिंग हो चुकी हैं। रिपेयरिंग होने के बाद भी मनपा उन इमारतों को धोखादायक की श्रेणी में रखा है। मनपा अधिकारी आखिर सर्वे क्यों नहीं करते हैं? लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। मुमरा शहर के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए MIM के कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान क्या कुछ कहा है। TMC ने मुमरा कोसा के अंदर 1460 बिल्डिंग धोखादायक में डाली, जिसके मुकाबले मतलब जो C1, C2, C3 जो इनको मतलब दिया गया जो बिल्डिंग की कंडीशन के ऊपर इनने सर्वे किया है क्या कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के बिल्डिंग का नाम लिखा गया। आज रमजान के महीने से रमजान से लेके अभी मतलब मुमरा कोसा में खौफ का माहौल है बिल्डिंग धोखादायक को लेकर। तो यहाँ प्रशासन से यह हमारी मांग है और जेसवाल साहब से ये हमारी विनती है कि आप जो अपने अधिकारी से पूछो इनने सर्वे किया कि नहीं किया बिल्डिंग। आपके कहने के अनुसार जो इमारतें सही है उन इमारतों को भी धोखादायक बताया जा रहा है? जो इमारत सही है, जो इमारत रिपेयरिंग भी हो गई है उनका भी नाम अभी लिस्ट में है कि वो धोखादायक के अंदर है। तो वही हमारी प्रशासन से मांग है कि जो इसको जो है आप बैठ के जो अपने अधिकारी को बुला के आप पूछताछ करें कि ये सब बिल्डिंग ने बैठ के कर दिया। 1460 बिल्डिंग को तो वो ज़्यादा रखती है। आज माड़ा में देने के लिए 14 रूम भी नहीं इनके पास। जो 1460 जो इमारतें हैं जिन्हें धोखादायक घोषित किया गया, क्या उन इमारतों को नोटिस दी गई है क्या? अभी तक किसी को नोटिस नहीं दी गई। तो बिना नोटिस के ये बिना सर्वे के खाली एक ऑनलाइन पे लिस्ट निकली बिल्डिंग के नाम के साथ, अभी तक किसी को नोटिस मिली नहीं बिल्डिंग वाले। थाने महानगर पालिका ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 1400 समथिंग कुछ बिल्डिंगों का लिस्ट एक बना के डाल दिया है और उसमें अपना एक कैटेगरी दे दी है A1, C1, C2 ऐसी करके कैटेगरी दे दी है और सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी से मतलब पल्ला झाड़ लिया है। कोई अगर बिल्डिंग गिरेगी या कुछ अगर हादसा होगा तो वो लोग हाथ उठा लेंगे कि हमने तो नोटिस दिया था करके, लेकिन वो लोगों ने कोई भी ऐसी मतलब कार्रवाई नहीं की। कोई उसका ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने खुद पर्सनली नहीं निकाला, किसी बिल्डिंग में जाकर उन्होंने खुद ऑडिट नहीं किया है, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है। सिर्फ उन लोग ने अपने पास बैठ कर जितनी मुमरा कोसा है उसकी एक लिस्ट बनाई है और अपनी वेबसाइट पर डाल दी है और ये बता दिया है कि आपकी बिल्डिंग धोखादायक है। आप उसको ऑडिट करवाइए, उसको रिपेयरिंग कराइए और उसके बाद में रिपेयरिंग कराने के बाद में TMC उसको ऑथराइज भी नहीं कर रही है। क्या इस विषय में आपके सीनियर लीडर्स ने या आपके नगर सेवक और माजी नगर सेवकों ने क्या मांग की है? इससे पहले दो नगर सेवक, इससे पहले हमारे नगर सेवक लोग ने मेयर साहिबा से मुलाकात भी की है, कमिश्नर साहब से मुलाकात भी की है, उनसे इस बारे में चर्चा भी की है, हमारे पदाधिकारी ने भी उस बारे में उठाया गया। दो रोज पहले महासभा हुई, आपके दो नगर सेवक है, जनप्रतिनिधि है यहाँ के मुमरा से, उन्होंने ठाणे महानगर पालिका में महासभा में देखिए ये मुद्दा पहले उठा चुके हैं, ये मुद्दा पहले बात हो चुकी है, इस पर चर्चा हो चुकी है कमिश्नर साहब से, हमारे नगर सेवक लोग ने भी और हमारे पदाधिकारी ने भी मिलकर इस पर बात की हुई है, लेटर भी दिए, उन्होंने बताया ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमारे अधिकारियों को बुला के बात करेंगे। लेकिन TMC ऐसा कभी कुछ करती नहीं है, सिर्फ आश्वासन देने का काम करती है और हमेशा ये लोगों को बोल के यहाँ से गुमराह कर देती है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा क्यों? इतना बड़ा संगठन है आपका, ना आपके अध्यक्ष मौजूद है, ना आपके कुछ नगर सेवक मौजूद है, दो नगर सेवक है, कुछ माजी नगर सेवक और सीनियर लीडर्स है मुमरा के MIM के साथ में, आज वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, वो चेहरे क्यों नहीं दिख रहे? देखिए हर भी मतलब इतनी फास्ट फॉरवर्ड रात में मतलब ये मामला तय हुआ है आज आंदोलन का और हमें परमिशन मतलब हमारे भाई ने लिए और सब लोग को इतना नहीं, हर कोई अपने अपने काम से कहीं ना कहीं गए हुए हैं। कुछ लोग महानगर पालिका में है, अध्यक्ष साहब औरंगाबाद गए हुए हैं, इलेक्शन का टाइम चालू हुआ है, सब लोगों की भागन दौड़ी लगी पड़ी हुई है, इसलिए एट ए टाइम हर किसी का आना जरूरी नहीं। हमारे पदाधिकारी हैं, मुमरा ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे अवेलेबल है, कौसा अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट मैं हूँ, हम लोग यहाँ अवेलेबल है, हमारी पूरी टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम MIM के हर मुद्दे पर बराबर से लगी हुई है और हर मुद्दे पर अपनी बराबर आवाज उठा रही है। क्या इस संदर्भ में आपने कुछ पत्र व्यवहार किया है, राइटिंग में कुछ शिकायत किसको दी आपने और क्या है?
आपका सब्जेक्ट? मैंने राइटिंग में पूरा कलेक्टर ऑफिस, थाना म्यूनसिपल कमिश्नर और टीएमसी के जो है बांधकाम विभाग है वहाँ पे दिया हूँ, और यहाँ पे प्रभाग समिति मुमरा दीवा उनको दिया हूँ राइटिंग के अंदर। अभी इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे जो है हम लोग भूगड़ताली बैठेंगे। एमआईएम के तरफ से जो विरोध जताया गया था उसमें एमआईएम के कलवा मुमरा अध्यक्ष और नगर सेवक कोई भी इस विरोध में शामिल नहीं था। वहीं मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने बताया है कि कोई भी इमारत अगर धोखादायक है और अगर उस इमारत को रिपेयर किया गया है तो इसकी रिपोर्ट अगर मनपा को दी जाएगी तभी धोखादायक की श्रेणी से हम इस इमारत का नाम हटा सकते हैं। जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं हटा सकते। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।